साईयो। क्या ऐसे कैसे जाने दिया तुमने नरपति को? बात समझने की कोशिश करो गणपत, उसे क्षयरोग है। अगर वो यहाँ रहता तो हम सबको क्षयरोग हो जाता, फिर नाटक कैसे करते? ऊपर से कुलकर्णी सरकार का आदेश भी था। कुलकर्णी का आदेश? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो इंसान मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे हराने के लिए, ये नाटक बंद करने के लिए झूठ बोल रहा हो। और तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि नरपति बीमार है? हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसे क्षय रोग है? तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने उसकी हालत देखी नहीं थी। और सुनोगे, जो आदमी उसको गांव छोड़ने गया था उसने बताया कि नरपति बेहोश था जब तक अपने घर नहीं पहुंचा। और अगर वो यहां रहता भी तो भी नाटक नहीं कर पाता। बात समझने की कोशिश करो, सच्चाई को अगर स्वीकार कर लोगे तो तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कैसे कम होगी? अब मैं इतनी जल्दी नई दमयंती को कहां से लाऊं? राजन, आपने चिल्म गाया था? चुप! पागल हो गए हो क्या तुम? लेकिन गणपत, इसमें आपत्ति क्या है तुम्हें? और वैसे भी अभिनय ठीक ठाक कर ही लेता है, थोड़ा अभ्यास करेगा तो नरपति की जगह ले सकता है। बलालपन, तुम बस ये देख रहे हो कि ये नरपति की जगह ले सकता है, पर अगर मेरी नजरों से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे नाटक में गीतों का भी उतना ही महत्व है जितना अभिनय का। इसीलिए जो कोई भी दमयंती की भूमिका निभाएगा उसे एक बेहतरीन गायक होना चाहिए। क्या तुम गा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुछ ना। आया दमयंती बनने, जाए यहां से। समझे? अब अगर ये मंच पर होता तो गणपत राव की इज्जत तो गई ना। नहीं, हमें किसी भी कीमत पे नई दमयंती की खोज करनी ही होगी। इधर दे, ये ले, ये ले, ये ले। परी, उद्धव, ये देखो, ये क्या है? क्या है? किधर है? इधर तो आओ। ये क्या है? नहीं जानते तुम लोग? मुझे बाबा ने बताया था इसके बारे में। ये तितली के अंडे से निकला हुआ डिंब है। यह भी कोशित यानी एक कवच में है, और जैसे ही यह कवच टूटेगा उससे तितली बाहर आएगी। मतलब इसके अंदर से भी तितली बाहर आएगी? हाँ, देखो कवच किसे काप रहा है, शायद वो बाहर आने की ही कोशिश कर रही है। अभी तक तितली बाहर नहीं आई। तुम्हें पक्का पता है ना कि ये तितली का ही अंडा है
और इसमें से तितली बाहर आएगी, कहीं तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? सच कह रहा हूँ, हो सकता है इसे बाहर आने में दिक्कत आ रही हो। फिर तो हमें मदद करनी चाहिए इसकी। कवच तोड़ दे। हाँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मदद कर रही हूँ साई। आप ही कहते हैं ना कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए हम इस डिम को उसके खोल से बाहर आने में मदद करने जा रहे थे। कवच तोड़ देते तो तितली बाहर आ जाती। ऐसा करके तुम लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी जान को जोखिम में डाल रहे थे। वो कैसे साई? डिम्ब जिस खोल में रहता है वो खोल बहुत मजबूत होता है। उस खोल को तोड़ने में डिम्ब को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिम्ब का बाहरी हिस्सा बहुत कठोर होता है और अंदर का हिस्सा गीला। पर इस गीले इस तरल हिस्से से ही डिम्ब को पोषण मिलता है। डिम्ब इस गीले पदार्थ को अपने पंखों में शोषित कर लेता है, अपने पंखों में सोख लेता है और इसी से डिम्ब के पंखों को मजबूती मिलती है। कठोर हो जाते हैं पंख और इन्हीं कठोर पंखों की सहायता से एक निश्चित समय के बाद डिम्ब इस खोल को तोड़कर बाहर निकलता है, एक तितली के रूप में। देखो, तुमने कुछ सीखा? जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मतलब यह नहीं होता कि जीवन दुख दर्द से भरा है। हो सकता है जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें अपने जीवन में तरक्की करना सिखा रही हो, हमें जीवन में उड़ान भरने की तैयारी करा रही हो। हे भगवान, कब से चार बर्तन लेके बैठी है, ऐसे ही धोती रहेगी ना तो शाम हो जाएगी। से बोला है गाने वाने से ध्यान हटा दे, लेकिन नहीं, उसी में ध्यान लगा रहता है। ये देख, ऐसे घिस घिस कर धोए जाते हैं, ऐसे, समझी? ऐसे
अब जैसा सिखाया है ना वैसा ही धोना, और अब तेरे गाने की आवाज ना मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। जब देखो तू यहाँ पर है। अच्छा ये सब छोड़ और चल मेरे साथ, साई से मिलकर आते हैं। जिपरी मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। अरे बर्तन तो धुल ही गए हैं, और बाकी जो काम है वो आकर कर लेना। अब तू चल मेरे साथ। वो कहीं नहीं जाएगी। क्यों काकी? देख जिपरी, तू घर से बाहर निकलती क्योंकि उपले बेचकर तू अपनी आई की मदद करती है, लेकिन ये तेरे साथ जाती मटर गस्ती करने। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब घर पे रहेगी और घर के काम सीखेगी। अरे चंपा की माँ, तुम फिर शुरू हो गई। अरे अपनी बेटी के साथ इतनी सख्ती क्यों करती हो? आप दोनों को तो मैं दुश्मन लगती हूँ ना। माँ हूँ मैं इसकी। अगर ये ऐसे ही बाहर घूमती फिरती रहेगी तो कल को कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। अरे कभी तो शुभ बोला करो। झिपरी बिटिया, तुम चंपा को लेकर के जाओ। ठीक है काका, चल चंपा। मैं बोलती ही क्यों, मेरी सुनता ही कौन है? हुआ चंपा, इतनी उदास क्यों है? और क्या करूं साई, आए दिन रात पीछे पड़ी रहती है, हर बात पर डांटती है। आपके सामने भी डांटा था, अभी भी बिना बात के बरस रही थी मुझ पर। साई अब तुम ही इसे समझो, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। अरे चंपा आई होती ही ऐसी है, अब मेरी आई को ही ले लो। जब तक वो मुझ पर चिल्ला नहीं लेती उसका दिन पूरा नहीं होगा। एक बार तो मेरे सवालों से तंग आकर उसने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी थी, फिर खुद आकर खोल दी। कहने लगी कि तू चुप रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। असल में वो हमसे इतना प्यार करती है कि वो चाहती है कि मेरी संतान दुनिया में सबसे अच्छी संतान हो, इसलिए वो हमेशा बोलती रहती है। उसके बोलने में भी हमारी भलाई छिपी रहती है। लेकिन तेरी आई तेरी तारीफ भी करती है ना, और मेरी आई कुछ भी करो सुनाएगी ही। उसे सिर्फ मेरे शादी के बाद की चिंता है, यह चिंता है कि शादी के बाद मैं उन्हें बदनाम कर दूंगी। साई ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत बैठो वैसे बैठो, इतने जोर से मत हंसो। इतने सारे नियम सिर्फ हम लड़कियों पर ही क्यों? हमारे साथ के लड़के अकेले शहर जाते हैं, अपने निर्णय खुद लेते हैं। तात्या भीमा अली सब है तो हमारी उम्र के, पर हम कुछ नहीं कर सकते। साई आज समाज में औरतों के जो हालात है क्या वो कभी नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और उन हालातों को कौन बदलेगा जानती हो? कौन? चंपा तुम, लक्ष्मी और तुम जैसी आज की लड़कियां। आने वाले समय में स्त्री की समाज में क्या दशा होगी ये इस पर निर्भर करता है कि तुम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाओगे, उनके लिए क्या बुनियाद रखोगे। आज ज्यादा से ज्यादा लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, प्रशिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, और इससे लोगों की सोच में बदलाव हुआ है, लड़कियों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। तो
तुम लोगों ने देखा ही होगा कि बायजा माने शिरडी की औरतों को जागरूक करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किए हैं। केवल समाज को दोष देने से या कोसते रहने से तो कुछ नहीं बदलेगा। स्त्रियों को समाज में अपना मकाम हासिल करने के लिए, इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए पहल खुद ही करनी होगी, खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही कदम बढ़ाना होगा। और जब तुम जैसी युवा लड़कियां, युवा शक्तियां कुछ करने की ठान ले तो हो सकता है समय लगे, पर परिवर्तन तय है। तो बताओ किसकी आवाज अच्छी लगी? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जा सकते हैं। तुम एक आदमी नहीं ढूंढ सके जो दमयंती बन सके। गणपत राव, सिर्फ आदमी ढूंढना हो तो लोगों की कतार लगा दूं, लेकिन किसी भी आदमी के लिए औरत की आवाज में गाना कोई दाल भात तक और नहीं। भूल गए, सैकड़ों लोगों का स्वर परीक्षण किया था तब जाकर दमयंती की भूमिका के लिए हमें नरपति मिला था, और उसके बाद भी उसको महीनों हमने रियाज करवाया तब वो इस लायक बना। आज हमारे पास ये सब तामझाम करने का समय नहीं है। तो बताओ तुम दोनों के हिसाब से समाज में परिवर्तन लाने के लिए तुम्हारा वो पहला कदम किस क्षेत्र में होगा? क्या करना चाहोगे तुम लोग? साई, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। पढ़कर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं देश के काम आ सकूं, लोगों का भला कर सकूं। मुझे तुम पर और तुम्हारी सोच पर नाज है लक्ष्मी। और तुम चंपा, तुम क्या करोगी? साई, शायद मैं दूसरों के काम नहीं आ सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। आई कहती है कि घर के काम करो, ऐसे में मेरे पास बचता ही क्या है? फिर भी कुछ तो ऐसा होगा जो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसे करके तुम्हें खुशी मिलती हो। हाँ, मुझे गाने में आनंद आता है, एक वही है जो मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों। दुख हो, सुख हो, थकान हो या कहीं मन नहीं लग रहा, गाने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। यही है जो मैं कर सकती हूँ, लेकिन इससे मैं समाज में परिवर्तन कैसे लाऊंगी? और संगीत से किसी की क्या मदद हो सकती है? शायद तुम नहीं जानती कि गाने में, संगीत में अद्भुत शक्तियां होती हैं, और तुम्हारे गाने से कब किसी की मदद हो जाए ये सोच भी नहीं सकती तुम। तुम्हें गाना अच्छा लगता है ना, तो चलो कुछ गाओ। अभी? हाँ, संगीत तो किसी भी समय सुना जा सकता है। तुम्हें गाना अच्छा लगता है तो गाओ, दिल से गाओ। ठीक है।
लेकिन क्या गाऊं? जो भी मन करे वो गाओ। पारस छुए जो लोह खंड कनक रूप सुहाए, मेरे साई छुए जो पत्थर भी तो वो पारस कहलाए। ये आवाज आओ मेरे साथ। करो ये लड़की कौन है?